नमस्कार, मैं हूं आचल सिंह। भाजपा के विधायक टी राजा सिंह ने एक वीडियो जारी की थी जिसके बाद हंगामा मच गया था। सरतन से जुदा के नारे लगने लगे और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पार्टी ने उन्हें बाहर का भी रास्ता दिखा दिया है और फिर उन्हें जमानत भी मिल गई। जमानत इसलिए मिली है क्योंकि टी राजा ने अपने वीडियो में पैगंबर का नाम नहीं लिया था और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते वक्त प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया था, जिसकी वजह से उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टी राजा का ये कोई पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी कई बार वो ऐसा बयान दे चुके हैं। हैदराबाद की गोश महल सीट से विधायक टी राजा सिंह को सितंबर 2020 में फेसबुक ने डेंजरस मैन का टैग भी दिया था। ठाकुर राजा सिंह का जन्म 15 अप्रैल 1977 को हुआ था। वो हैदराबाद में गोश महल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। भाजपा में आने से पहले वो तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी के नेता थे। राजा सिंह ने इससे पहले रोहिंग्या को लेकर बयान दिया था। टी राजा सिंह कई मुस्लिम विरोधी बयान दे चुके हैं और इसको लेकर वो आए दिन चर्चा में रहते ही हैं। मुसलमानों को देशद्रोही और रोहिंग्या को गोली मारने की बात वो कर चुके हैं और इसको लेकर उनके खिलाफ कई केस भी दर्ज हैं। साथ ही इनके ऊपर कई मामले कोर्ट में भी पेंडिंग हैं। टी राजा सिंह ने ये बयान दिया था कि अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या देश छोड़कर नहीं जा रहे तो उन्हें गोली मार देनी चाहिए। इतना ही नहीं, राजा सिंह तो ये भी कह चुके हैं कि वोटों की भीख मांगने वाले ही इफ्तार पार्टियों का आयोजन करते हैं। वहीं जब बंगाल में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था तब भी वो विवादित बयान दे रहे थे। राजा सिंह ने बंगाल में हिंदुओं की दुर्दशा को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बंगाल में विरोध प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा, अब एक्शन होगा और अब एक्शन का समय आ गया है। जिस भाषा में लोग समझ सकें उसी भाषा में उन्हें समझाया जाए। बांग्लादेशी आतंकवादी बंगाल में हिंदुओं को मार रहे हैं, वहां की सरकार कार्रवाई नहीं करती तो मजबूरन बंगाल के हिंदुओं को तलवार और हथियार उठाने ही पड़ेंगे। टी राजा सिंह ने राम मंदिर के लिए जान देने की भी बात की थी। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर राजा सिंह ने बयान दिया था और कहा था कि राम मंदिर बनना हर हिंदू का संकल्प है। मेरा भी संकल्प है कि अयोध्या में राम मंदिर बने। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी अगर राम मंदिर बनने के आड़े आएगा तो हम अपने प्राण भी दे सकते हैं और हम उनके प्राण ले भी सकते हैं। साल 2017 में टी राजा सिंह ने थिएटरों को जलाने की धमकी दी थी। दरअसल 6 नवंबर 2017 को राजा सिंह ने दीपिका पादुकोण की फिल्म पद्मावती का विरोध किया था। साथ ही उन्होंने ये भी धमकी दी थी कि फिल्म लगाने वाले थिएटरों को जला दिया जाएगा। वहीं साल 2016 में उन्होंने ऊना में दलितों की पिटाई का समर्थन किया था। दरअसल गुजरात के ऊना में गोहत्या और खाल की तस्करी का आरोप लगाकर एक व्यक्ति की पिटाई की गई थी और इसी का उन्होंने समर्थन किया था। साल 2020 में टी राजा को फेसबुक ने बता दिया था डेंजर। 2 सितंबर 2020 को फेसबुक ने राजा को डेंजरस इंडिविजुअल लेबल दिया था, यानी कि खतरनाक व्यक्ति, जिसके बाद वो चर्चा में आ गए थे। भड़काऊ पोस्ट और वीडियो, अभद्र भाषा को लेकर फेसबुक ने उनके ऊपर बैन तक लगा दिया था। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के वक्त भी टी राजा सिंह का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया उनके घर तोड़ दिए जाएंगे और उन्हें राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि तेलंगाना में गुंडों और एमआईएम के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा, तेलंगाना में किसी भी गुंडे या माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। ये तो हो गए उनके बयान, अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर फिर से वो क्यों चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल भाजपा विधायक ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की आलोचना की थी। इसके साथ ही कथित तौर पर उन्होंने धर्म विशेष की आलोचना भी कर दी थी। आपको बता दें कि सोमवार को भाजपा विधायक ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के विरोध में एक वीडियो जारी किया था, क्योंकि हाल में ही हेटमोंगर मुनव्वर फारूकी ने शहर में कार्यक्रम किया था। अब इसी पर वो बात कर रहे थे जहां उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बोल दी जो धर्म समुदाय को पसंद नहीं आई और फिर लगने लगे सरतन से जुदा के नारे, जिसके बाद उन पर एक्शन लिया गया लेकिन उन्हें जमानत मिल गई है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। माता की जय। भारत माता की जय।